हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो शुरू करते हैं चार्ट से। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन हमने बैंक निफ्टी में क्लोजिंग देखी 37,591, लगभग 37,600 के लेवल पे, लगभग 88 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है एज कम्पेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई थी, मगर यहाँ भी ऊपर के लेवल पर अच्छा खासा सप्लाई आ चुका है और हम जो है मगर गेन के साथ बंद होने में कामयाब हुए हैं। यहाँ जो है तो मंथली चार्ट पे देखते हैं। तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो कि इस महीने के लिए बैंक निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है लगभग 600 पॉइंट नीचे, 500-550 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, लगभग 1.37% लॉस के साथ। लास्ट मंथ जो है तो हमने लगभग 2500 पॉइंट की रैली देखी थी, मगर इस मंथ में हम ऊपर के लेवल पर अच्छा खासा सप्लाई देख रहे हैं और यहाँ जो है तो करेक्टिव मूव दिखा रहा है ऑन लॉन्गर टर्म चार्ट। अभी देखते हैं वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे क्लियर कट वीकनेस है और यहाँ जो है तो ऊपर के लेवल पे एज एक्सपेक्टेड सेलिंग आ रही है। और यहाँ जो है तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी जो है तो अच्छा खासा फॉल दिखा सकता है अगर ये जो है तो मेजर लेवल्स ब्रीच हो जाती है। और यहाँ मेरा जो मीडियम टर्म व्यू रहेगा वो सेल ऑन राइज ही रहेगा जब तक बैंक निफ्टी जो है तो 38,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक जो है तो सेल ऑन राइज ही व्यू रखना चाहिए। और ऊपर के जब लेवल मिलते हैं तो आपको फ्यूचर जो है तो सेल करके जाना चाहिए या फिर इन द मनी पुट ऑप्शन लेकर भी आप उसको ट्रेड कर सकते हो। यहाँ जो है तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि इस वीक जो है तो लगभग बैंक निफ्टी 930 पॉइंट नीचे बंद हुआ है और लगभग 2.5% का लॉस दिख रहा है। लास्ट वीक जो है तो हमने लगभग 350 पॉइंट का लॉस देखा था, 1% डाउन बंद हुआ था। और यहाँ जो है तो इस वीक हम लगभग 2.5% नीचे 900-950 पॉइंट लॉस के साथ बंद हो रहे हैं। तो यहाँ क्लियर कट ऊपर के लेवल पे सेलिंग कर रहे हैं इन्वेस्टर। और यहाँ जैसे मैंने कहा था कि हम 35,200 के लेवल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ नीचे की तरफ मेरे मीडियम टर्म टारगेट रहेंगे 35,700 और उसके बाद में 35,200 के। तो इन दो टारगेट के लिए आप मीडियम टर्म ट्रेड बना सकते हो। यहाँ जो है तो आपको 38,500 के नीचे जो है तो सेल ऑन राइज व्यू रखना चाहिए और जो टारगेट रहेंगे हमारे मीडियम टर्म वो रहेंगे 35,700 उसके बाद में 35,200। जैसे 35,200 टूटेगा हमें जो है तो एक वायलेंट मूव देखने को मिल सकती है नीचे की तरफ जो बैंक निफ्टी को लेकर जा सकती है 33,000 और उसके बाद में जो है तो लगभग 29,800 के लेवल भी दिखा सकता है, मगर उसके लिए हमें 35,200 का लेवल कन्विंसली तोड़ना होगा वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। तो देखते हैं, मगर फिलहाल के लिए तो कंजर्वेटिव टारगेट 35,200 तक लगते हैं। डेली चार्ट देखते हैं। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि लास्ट दो दिन के सेलिंग के बाद आज जो है फ्राइडे के दिन हमने बाउंस बैक किया था, वो भी ऊपर के लेवल पे सेल ऑफ हुआ। तो यहाँ मेरा व्यू जो रहेगा बैंक निफ्टी पे वो सेल ऑन राइज रहेगा। आपको बैंक निफ्टी बेचना है 37,700 से लेकर 38,000 के लेवल के अराउंड, इन लेवल पे हम जो है तो सेल ऑन राइज व्यू रखेंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 38,500, जो नीचे टारगेट बनेंगे मेरे वो रहेंगे 36,250 और उसके बाद में जो है तो हमने जो देखे 35,700 और 35,200 के ये मल्टीपल टारगेट बनते हैं, मगर यहाँ मेरा सेल ऑन राइज व्यू रहेगा, सेलिंग जोन रहेगा 37,700 से लेकर 38,000 तक। ये 300 पॉइंट का जो रेंज है उसमें सेलिंग करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 38,500 के ऊपर रहेगा और जो टारगेट रहेंगे, पहला टारगेट रहेगा 36,250, उसके बाद में 35,700 और लास्ट टारगेट रहेगा 35,200। तो यहाँ जो है तो क्लियर कट वीकनेस है और जो बाउंस बैक आया था वो जो है तो वो फेल हो चुका है और हम जो है तो अभी फिर से डाउन ट्रेंड को रिज्यूम कर रहे हैं। डेली चार्ट पे ये लॉन्ग टर्म करेक्शन है। जैसे हम 36,250 का लेवल तोड़ देंगे जो है इसका 200 डेज एवरेज, हम जो है तो लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में जाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, मगर फिलहाल के लिए 36,250 का लेवल आपको वॉच करना है और वही आपका टारगेट रहेगा मेन टारगेट। उसके नीचे टूटता है तो हमें एक अच्छा खासा सेल ऑफ या मोमेंटम मिल सकता है जो बैंक निफ्टी को लेकर जाएगा 35,200 के लेवल की तरफ। तो यहाँ सेल ऑन राइज व्यू रखना है। ऑप्शन ट्रेडर जो है तो आपको 38,000 का इन द मनी पुट ऑप्शन जो है तो उसको डिप्स पे बाय करना है। अगर बाउंस बैक मिलता है तो उसमें आपको पुट जो है तो
डिप्स देते हुए दिखेगा, तो उस डिप्स को आपको बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस सेम रहेगा 38,500 का, जो स्टॉप लॉस है वो फॉलो करना है। अगर फ्यूचर 38,500 पे जाता है तो उस पुट ऑप्शन में जो भी लॉस है वो लेकर आपको निकल जाना पड़ेगा। नीचे अगर 36,250 पे जाता है तो उस ऑप्शन को आपको, ऑप्शन में आपको गेंस फ्यूचर के जैसे देखने को मिल सकते हैं, और आपको लगभग 2x to 2.5x गेन आपको देखने को मिल सकते हैं उस ऑप्शन में, अगर हम बैंक निफ्टी जो है तो 36,250 के लेवल की तरफ जाता है। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए आने वाले वीक में हेल्पफुल रहेगा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट वीक। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.